हेलो, नमस्ते, वेलकम। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। वीडियो का प्रोग्रेस नॉर्मल तरीके से होगा। पहले हम प्रोफाइल देखेंगे, फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसके बाद पीयर ग्रुप एनालिसिस होगा और फाइनली हम लोग ग्राफ पे RSI का क्या लेवल्स है और हम किस लेवल्स पे बाय कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को लेकर, और फाइनली फंडामेंटली इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे और समझेंगे कि फंडामेंटली कहाँ पर हम बाइंग और सेलिंग का टारगेट्स रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये कंपनी 1954 में एस्टैब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये गवर्नमेंट की कंपनी है और बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है जो डिफेंस सेक्टर में सप्लाई करती है। वो गवर्नमेंट BEL का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है और उनका करंट शेयर होल्डिंग 55.2% का है। BEL को नवरत्न का स्टेटस दिया गया है जून 2007 में। ये कंपनी एक डोमिनेंट सप्लायर है रेडार का, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट का इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को। कंपनी के पास 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो पूरे भारत में लोकेटेड हैं। बेंगलोर और गाज़ियाबाद का जो यूनिट्स है ये BEL का मेजर यूनिट्स हैं, और बेंगलोर का जो यूनिट है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन है जो हमको दिखता है उनके अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक से 54,959 करोड़ का एज ऑन January 1, 2020। प्राइवेट सेक्टर से इस कंपनी को कंपटीशन हो रहा है और वो इंटेंसिफाई भी हो रहा है। उनके पास लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ हैं और इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसी के वजह से इनको स्ट्रेंथ देता है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स और रिटर्न इंडिकेटर्स काफ़ी हेल्दी हैं और इसी की वजह से इनका जो फिनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका लेवरेज जो कि डेट टू इक्विटी होता है काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल लिक्विडिटी प्रोफाइल भी है उनका। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है लास्ट 2 साल से, क्योंकि उनके जो रिसीवेबल्स हैं और अनबिल्ड रेवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी टाइम लगता है उनको वहाँ से पैसे आने को। अभी ये जो इंक्रीज़ हुआ है वर्किंग कैपिटल में, उसकी वजह से उनका जो कैश और बैंक बैलेंस है वो कम हो चुका है। September 2019 तक 251 करोड़ का हो गया था। BEL का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी वल्नरेबल होता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस की वजह से। सर्टन सेगमेंट से उनको काफ़ी लो प्रॉफिटेबिलिटी मिलता है। गवर्नमेंट का एक मेजर ओनरशिप है BEL में जो हमने ऑलरेडी देखा है 56% का, और ये एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट कंपनी है गवर्नमेंट के लिए। ये कंपनी एक मेजर सप्लायर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इंडियन डिफेंस फोर्सेस को, और इसमें जो एंट्री बैरियर्स होते हैं वो बहुत हाई होता है। नई कंपनी को अगर डिफेंस सेक्टर में आना है तो बहुत मुश्किल होता है। कंपनी के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक January 1, 2020 तक 54,959 करोड़ का था। ऑर्डर बुक 4.5 टाइम्स था अपने FY 2019 के ऑपरेटिंग इनकम के सामने, और इसी के वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखता है मीडियम टर्म में। भारत इलेक्ट्रॉनिक का फिनेंशियल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके प्रॉफिटेबिलिटीज हेल्दी हैं और रिटर्न इंडिकेटर्स अच्छे हैं। उनकी बोरिंग्स बहुत कम हैं, उनकी लिक्विडिटी पोजिशन अच्छी है, और फाइनली उनका डेट कवरेज मैट्रिक्स भी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ये कंपनी का एक डोमिनेंट मार्केट पोजीशन है तो वो कॉम्पिटिटर्स से उनको एडवांटेज है। इनका एक एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सालों से ये डिफेंस सेक्टर में है और इनका एसोसिएशन आर्म्ड फोर्सेस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी इनके पास एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और इनका स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़ भी है। BEL का मेजर कस्टमर इंडियन डिफेंस फोर्स है। डिफेंस फोर्सेस के प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में अगर कोई भी चेंजेस आती हैं तो वो डायरेक्टली कंपनी के रेवेन्यू और उसके ऑर्डर बुक पोजीशन पे इम्पैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर कम हो सकता है। इनका ऑर्डर बुक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है
ज़्यादा करके ऑर्डर्स उनको गवर्नमेंट और डिफेंस सेक्टर से आता है। अगर प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन में डिले होता है या फाइनल पेमेंट का जो क्लियरेंस है वो डिले होता है, तो उसकी वजह से उनका रेवेन्यू और कैश फ्लो में काफ़ी इम्पेक्ट होता है। और क्योंकि इनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो उनको रेवेन्यू जो है वो पार्ट पार्ट में आता है, एडवांस में उनको कुछ नहीं मिलता है, और उनको जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वैसे वैसे उनको पैसे आते हैं, और इसी की वजह से उनका जो कैश फ्लोज है वो नॉन यूनिफॉर्म है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत वाइड फ्लक्चुएशंस हैं। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि उनके कितने फ्लक्चुएशंस है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कंपनी का लिक्विडिटी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग है, उनके कैश फ्लोज तो है, आते ही रहते हैं, और जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सकते हैं, और डिविडेंड अगर दे रही है तो वो भी वो अपने जो भी कैश आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वहाँ से वो देती है। कंपनी के पास अराउंड 500 करोड़ का अनयूटिलाइज्ड फंड बेस्ड बोरिंग फैसिलिटी है, और उसकी वजह से वो अपना जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकती है। कंपनी का लेवरेज लो है, और इसी की वजह से अगर उनको एडिशनल बोरिंग्स करना है बैंक से तो वो ईजिली कर सकती है, क्योंकि वो उनको उतना लिमिट है उनके पास। तो इसी के साथ मेरा कंपनी का प्रोफाइल एनालिसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, और उसमें से हम की रेशियोज़ देखेंगे, तो जिससे हमको ओवरऑल कंपनी का हेल्थ के बारे में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ। रीसेंट 12 महीने में सेल्स में डीग्रोथ हुआ है मार्च 19 के मुकाबले। मार्च 19 में अराउंड 12,000 करोड़ का सेल्स किया था, और रीसेंट 12 महीने में सेल्स ड्रॉप हुआ है 10,900 करोड़ पे, जो कि 10.1% का फॉल है मार्च 19 के मुकाबले। लास्ट 3 साल में और लास्ट 5 साल पीछे से अगर हम देखें, जो कि 14 और 16 आता है, तो वहाँ से हमको डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अच्छा है। 13.2% का ग्रोथ था लास्ट 5 साल में, और लास्ट 3 साल में 18.2% का CAGR कंपाउंडेड ग्रोथ है, तो ये अच्छा है लॉन्ग टर्म में। अभी रीसेंट 12 महीने में थोड़ा प्रेशर आया है कंपनी के ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम पे। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 साल का और 3 साल का 20% से ऊपर ही था। अगर मार्च 19 का देखें तो अराउंड 23.9% का टॉप लाइन प्रॉफिट जनरेट किया था, 12,000 करोड़ का सेल था और 9,200 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था। रीसेंट 12 महीने में भी 20% से ऊपर ही है, 10,000 करोड़ का सेल किया था और उसके ऊपर 8,700 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, तो कंपनी के टॉप लाइन प्रॉफिट्स काफ़ी हेल्दी है। अदर इनकम से बहुत कम परसेंटेज आता है, सिर्फ 107 करोड़ आया था रीसेंट 12 महीने में अपने टोटल सेल्स के सामने, और इनका ट्रेंड हमेशा से लो रहा है। डेप्रिसिएशन भी काफ़ी लो है सेल्स के सामने 3.4% का, तो इनके एसेट्स इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, जो हमको बैलेंस शीट के अंदर मालूम पड़ेगा जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे। और ओवरऑल उनका ट्रेंड काफ़ी फ्लैट रहा है, 192-338 करोड़ मार्च 19 में और 370 करोड़ रीसेंट 12 महीने में, तो डेप्रिसिएशन बहुत स्टेबल है और ये अच्छी बात है। रॉ मटेरियल कॉस्ट कंपनी के अराउंड 56% मार्च 14 में, और मार्च 19 में थोड़े कम होके 49.6% हुआ टोटल सेल्स के सामने। एम्प्लॉय कॉस्ट अभी रिड्यूस हुआ है 15.5% पे, और हाईएस्ट मार्च 16 में था 17.23% अपने टोटल सेल्स के सामने, तो ये वैल्यू 20% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत कम है, 14 करोड़ का रीसेंट 12 महीने में इंटरेस्ट कॉस्ट पे किया है अपने टोटल सेल्स के सामने, जो कि बहुत एक कम वैल्यू है। कंपनी का टैक्स रेट देख लेते हैं। रीसेंट 12 महीने में 30.6% का टैक्स रेट दिया था, 593 करोड़ का टैक्स भरा है और 1900 करोड़ का PBT दिखाया है, तो इनका जो टैक्स रेट है काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है ओवर द ईयर्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि इनके जो ओवरऑल फिनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी लो है एबिट के सामने।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है करंटली। नेट प्रॉफिट मार्जिन हमेशा से 10% के ऊपर आया है थ्रू आउट द ईयर्स, 12% कमाया था अराउंड रीसेंट 12 महीने में, 1374 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है जो मार्च 19 के प्रॉफिट से काफ़ी नीचे है, और सेल्स भी ड्रॉप हुआ है मार्च 19 के मुकाबले अभी रीसेंट 12 महीने में। एवरेज NPM 5 और 3 ईयर्स का 15% के ऊपर था, अभी रीसेंट 12 महीने में 12.6% हो गया है जो अपने एवरेज से नीचे हैं। नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ आया है रीसेंट 12 महीने में 27% का, मार्च 19 में प्रॉफिट दिखाया था 1800 करोड़ का और अभी रीसेंट 12 मंथ्स में 1300 करोड़, बहुत एक बड़ा डी ग्रोथ है ऑलमोस्ट 30% के करीब। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखे तो 5 और 3 ईयर्स का काफ़ी अच्छा डबल डिजिट का ग्रोथ रेट है प्रॉफिट्स में, तो 1 ईयर का जो एवरेशन होता है या प्रॉब्लम होता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं जब तक 5 और 3 ईयर्स का 10% के ऊपर है। वैल्यूएशन रेशियो मार्केट कैप टू सेल्स 1.6 times का है, बहुत अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गया है। मार्च 16 में 4 times का मार्केट कैप टू सेल्स था, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का था और आज कंपनी अवेलेबल है 17,000 करोड़ में मार्केट के अंदर और उसके सामने सेल्स कर रही है अराउंड 10,900 करोड़ का, तो उनके ओवरऑल मार्केट कैप या मार्केट का प्राइस नीचे गिर रहा है और उनके सेल्स अभी इंक्रीज़ हुए 16 से रिसेंट 12 महीने में देखे तो, बट मार्च 19 से ड्रॉप हुआ है, बट ओवरऑल मल्टीपल अच्छा हो गया है 1.6 times का। डिविडेंड पे आउट अच्छा है 43% का, मार्च 16 में ऑलमोस्ट 30.5% का डिविडेंड पे आउट किया था और मार्च 14 में ऑलमोस्ट 20% का, तो 20% के ऊपर ही इनका डिविडेंड पे आउट है थ्रू आउट द ईयर्स। प्राइस अर्निंग मल्टीपल अभी फ़िलहाल 12.4 times का है जो करीब मार्च 19 में भी उतना ही था और 5.6 rupees का अर्निंग्स पर शेयर था, प्राइस 70 rupees, तो हम 12.4 गुना ज़्यादा देकर ये शेयर खरीद रहे उसके अर्निंग्स के सामने। मार्च 16 में प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत ऊपर था 21.8 times का, तो अभी हमको काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है उसके मार्च 16 के कंपैरिजन में, और EPS देखे तो ऑलमोस्ट मार्च 19 के जितना ही है उसका। एवरेज प्राइस अर्निंग 5 ईयर्स का 18.2 times का था और 3 ईयर्स में 19.7 और अभी फ़िलहाल मिल रहा है अपने को 12.4 times में, तो उसके एवरेज से नीचे ही है अभी। बैलेंस शीट का एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल मार्च 19 में अराउंड 244 करोड़ का था और अभी फेस वैल्यू हो गया उसका 1। कंपनी के फेस वैल्यू में ड्रॉप हुआ है 10 से 1 पर, तो ये यहाँ पर हमको ये चेक करना होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मार्च 19 में अराउंड 20.5% का था, कंपनी का नेटवर्थ या इक्विटी कंट्रीब्यूशन अराउंड 9200 करोड़ का था, उसके सामने 1800 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। मार्च 16 में ROE थोड़ा लो था 14.5% का और 14 में तो उससे भी लो था 13.2% का, तो ओवरऑल ROE बढ़ रहा है हम देखें तो ट्रेंड उसका। एवरेज ट्रेंड देखे लास्ट 7, 5 और 3 ईयर्स का, हमेशा 15% से ऊपर ही उसने जनरेट किया है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये कंफर्टेबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है कंपनी का ऑन एवरेज बेसिस काफ़ी कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में था 9200 करोड़ का और उसके सामने EBIT या टॉप लाइन प्रॉफिट 2600 करोड़ का कमाया है जो ट्रांसलेट होता है अराउंड 28% का। मार्च 14 और 16 से ये बहुत ऊपर है, तो ओवरऑल इनके EBITs बढ़ रहे हैं थ्रू आउट द ईयर्स अगर देखें तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेजेस हमेशा 20% से ऊपर रहा है, तो इनका जो रेशियो रिटर्न रेशियोज है वो बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं ओवर द ईयर्स, 14 टू 16 से अराउंड 7.1% था और मार्च 19 में वो बढ़ के 8.9% हो गया है, तो टोटल नेट प्रॉफिट अगर हम देखें ट्रेंड तो अपवर्ड ट्रेंड है और टोटल एसेट्स या बैलेंस शीट का जो साइज़ है वो भी बढ़ रहा है। 15,000 करोड़ का बैलेंस शीट साइज़ था मार्च 14 में और मार्च 19 में वो अभी करंटली हो गया है 21,000 करोड़ का, तो ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड है दोनों नेट प्रॉफिट और टोटल एसेट्स में। कंपनी डेट फ्री है, सिर्फ 34 करोड़ का उनके ऊपर डेट था अपने इक्विटी के सामने, इक्विटी 9200 करोड़ का था और डेट अराउंड 34 करोड़ का, और कंपनी हमेशा से डेट फ्री रही है थ्रू आउट द ईयर्स।
इक्विटी अराउंड 44% कंट्रीब्यूट करता है टोटल बैलेंस शीट साइज में, और डेट का तो हमने देख लिया ओनली 34 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि 0% है. तो बैलेंस जो भी है वो करंट लायबिलिटीज़ हैं. प्राइस टू बुक रेशियो करंटली 1.9 टाइम्स का है. मार्च 19 और मार्च 16 का वैल्यू मेरे बेंचमार्क के ऊपर था 2.5 टाइम्स का. अभी रिसेंटली हमको एक अट्रैक्टिव प्राइस टू बुक वैल्यूएशन भी मिल रहा है 1.9 टाइम्स का. कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 17,000 करोड़ हो गया है अभी फ़िलहाल लेटेस्ट, और उसके सामने नेटवर्थ दिख रहा है 9,200 करोड़ का जो 1.9 टाइम्स का मल्टीपल देता है. तो ये हमको अभी अट्रैक्टिव प्राइस टू बुक रेशियो पे मिल रहा है. डेट टू नेट प्रॉफिट हमने देखा है ऑलरेडी ये कंपनी डेट फ्री है, तो 1,800 करोड़ का तो प्रॉफिट कमाया उसने मार्च 19 में, और उसके सामने डेट कंपनी का सिर्फ 34 करोड़ का है. तो बहुत लो डेट है, कभी भी चाहिए तो वो क्लियर कर सकती है इस डेट को. फिक्स एसेट्स कंपनी के 10% ऑक्यूपाई करता है टोटल एसेट्स का. टोटल एसेट्स मार्च 19 में 21,000 करोड़ के थे, और उसके सामने फिक्स एसेट्स अराउंड 2,200 करोड़ के. ये कंफर्टेबल पोजीशन है. ओवरऑल परसेंटेज ट्रेंड बढ़ रहा है, वैल्यू भी उनके बढ़ रहे हैं एसेट्स के, बट एक रीजनेबल रेंज में बढ़ रहा है. और ये जो परसेंटेज है ये स्टेबल परसेंटेज मुझे लगता है, 30-40% के ऊपर नहीं होना चाहिए एसेट्स में. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी करंटली बहुत लो है 849 करोड़ का, तो ज़्यादा काम नहीं चल रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा नहीं दिख रही इस कंपनी में, सिर्फ 849 करोड़ के, जो सिर्फ 4% आता है अपने टोटल एसेट्स के सामने. इन्वेस्टमेंट्स भी एक लो परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहा है, सिर्फ 964 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स थे अपने टोटल बैलेंस शीट साइज के सामने, और ये ट्रेंड स्लाइटली बढ़ा है मार्च 16 के सामने, बट अभी भी एक कंफर्टेबल लिमिट के अंदर है. कंपनी के डेटर्स 25.4% के हैं अपने टोटल एसेट्स के अंदर. यहाँ पर हमको इस कंपनी में स्पेसिफिकली इस चीज़ पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, क्योंकि जब हमने कंपनी का प्रोफाइल एनालिसिस किया था तो वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि कंपनी को अपने कस्टमर से पैसे नहीं आते, और इनके कस्टमर्स बेसिकली डिफेंस सेक्टर है और गवर्नमेंट है, तो यहाँ से इनको पेमेंट डिले होके आता है, और इसी की वजह से इनके जो डेटर्स हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स 25.4% के हैं, और ये ट्रेंड हमेशा से उनका काफ़ी हाई रहा है. डेटर्स टर्नओवर देखे तो बहुत हाई है, 44% का है अपने सेल्स के सामने. 12,000 करोड़ का जो सेल्स था मार्च 19 के, उसके सामने 5,300 करोड़ का पेमेंट अभी तक आना बाकी है, जो 44% बनता है, और ये हमेशा से 50% के ऊपर ही रहा है मार्च 14 और मार्च 16 का वैल्यू देखे तो. पर अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड है. अब इनका सेल्स बढ़ रहा है और उनके डेटर्स जो हैं वो इतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितने सेल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए इनका जो डेटर्स टर्नओवर है वो अभी ड्रॉप होकर 44% आ गया है. मेरे बेंचमार्क के हिसाब से 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए कोई भी साल में डेटर्स अपने सेल्स के सामने. किसी भी साल में डेटर्स 30% से ज़्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए सेल्स का. डेटर डेज भी बहुत हाई है इस कंपनी का. मार्च 19 में 161 डेज लग रहा है उनको कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने को. अब ये हमने ऑलरेडी प्रोफाइल में देख चुके हैं कि ज़्यादा करके इनका जो पेमेंट है वो डिफेंस सेक्टर और गवर्नमेंट से आना बाकी होता है, और गवर्नमेंट में कम से कम 6 महीने लगते ही है उनको पेमेंट आने को. तो ये जो डिले होता है उनको पेमेंट मिलने में वो उनके वर्किंग कैपिटल साइकिल पे स्ट्रेस डालती है. मार्च 19 में 161 डेज के थे, और अगर ट्रेंड देखें तो डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो ये एटलीस्ट ये इम्प्रूव हो रहा है, बट मेरे बेंचमार्क जो 90 डेज का है उससे ये बहुत ऊपर है, और इनका जो पेमेंट है वो मोस्टली डिफेंस सेक्टर और गवर्नमेंट से आना होता है, और यहाँ पर जनरली अगर देखा जाए तो इनको गवर्नमेंट डिले पेमेंट ही आता है किसी भी सेक्टर का हो, तो यहाँ पर ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है. बट बाकी अगर रेशियोज इंटैक्ट हैं और इनको अगर पेमेंट मिल रहा है तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए. जब मैंने इनकी बैलेंस शीट को पढ़ा था और फिनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स को पढ़ा था तो वहाँ पर लिखा था कि इनके जो बैड डेट्स है वो मिनिमल होंगे, क्योंकि इनको गारंटीड पेमेंट रिसीव होता ही है गवर्नमेंट से, भले डिले होता है बट उनको फाइनली पेमेंट आता ही है. और ये कंपनी मेन एडवांटेज यहाँ पर है कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, और इसकी वजह से इनके वर्किंग कैपिटल साइकिल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है. तो ये दो एक
प्रॉब्लमेटिक चीज़ है मेरे हिसाब से, उनके जो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने हैं वो 44% के हैं अपने 2019 के सेल्स के सामने, और इनका जो कलेक्शन डेज है वो भी बहुत हाई है। कंपनी का कैश होल्डिंग अराउंड ड्रॉप हो गया है मार्च 14 और 16 के कंपैरिजन में, अब सिर्फ 5% होल्ड कर रहे हैं टोटल एसेट्स के सामने, सिर्फ 972 करोड़ का, मार्च 19 में सिर्फ 972 करोड़ का कैश होल्डिंग था, जो एक मेजर ड्रॉप हुआ है मार्च 16 के कंपैरिजन में। मार्च 16 में 7200 करोड़ का कैश होल्डिंग कर रही थी कंपनी, अब ये रीजनेबल हो गया 5% पे, और इसके पहले हमने इन्वेस्टमेंट परसेंटेज भी देखा था वो भी बहुत लो था कंपेरेबल। तो ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, इसकी वजह से भी उनका ओवरऑल कैश होल्डिंग कम हुआ है। लिक्विडिटी पोजीशन करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज़ 1.4 टाइम्स की थी मार्च 19 में। कंपनी के एसेट्स, करंट एसेट्स 17,000 के थे, और उसके सामने जो लायबिलिटी पे करनी है उनको करंट ईयर की, वो 11,000 की थी। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन में कंपनी, जो भी लायबिलिटीज अराइज होंगी ये साल में वो इजीली पे ऑफ कर सकती है अपने एसेट्स बेचकर। इन्वेंट्री देखे तो अराउंड 21% का इन्वेंट्री होल्ड कर रही थी, और इनका ट्रेंड फ्लैट है, और ये एक अपने को कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी एक कंसिस्टेंट मैनर में अपने इन्वेंट्री होल्ड कर रही है अपने टोटल एसेट्स के सामने। मार्च 19 में कंपनी का इन्वेंट्री होल्डिंग 4,400 करोड़ का था अपने टोटल एसेट्स के सामने, जो अराउंड 21% आता है। और अगर इन्वेंट्री टर्नओवर देखें तो ये लो है मेरे हिसाब से, 2.7 टाइम्स का। इन्वेंट्री होल्डिंग बहुत ज़्यादा है 4,400 की, और सेल्स कर रहे हैं 12,000 की। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें तो ये अपवर्ड ट्रेंड है, और अगर हम मार्च 14 और 16 का वैल्यूज़ देखें तो 1.9 टाइम्स और 1.8 टाइम्स था। तो यहाँ पर अभी ये बढ़ गया है, 2.7 टाइम्स ही इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा सेल्स कर रही है अपने इन्वेंट्री होल्डिंग के सामने। अभी इनका इन्वेंट्री होल्डिंग का जो वैल्यू ट्रेंड देखें तो ये अपवर्ड है, और ये बहुत हाई वेरिएशंस नहीं है ओवर द ईयर्स, तो ये भी हमको एक कॉन्फिडेंस देता है। कैश फ्लो का एनालिसिस कर लेते हैं। मार्च 19 में इनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 18% शॉर्टफॉल का था। कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था 1,800 करोड़ का, और कैश आए थे 1,500 करोड़। तो यहाँ पर एक 18% का शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है कैश में। मार्च 16 का वैल्यू अच्छा था, 1,300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, और 2,200 करोड़ का कैश दिखाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अभी अगर हम देखें मार्च 14 का ट्रेंड, तो यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लोज हुए थे 569 करोड़ का। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन है ओवर द ईयर्स इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका कारण ये है जो अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि इनको पेमेंट बहुत डिले होके आता है गवर्नमेंट से, और ये इनका जो एक्सपोजर है डिफेंस सेक्टर में वो बहुत हाई है, क्योंकि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में है और गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है अपने पेमेंट के लिए, तो इनको डिले होके आता है, और इसी की वजह से इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑल ओवर द प्लेस है। यहाँ पे कोई एक स्टेबिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर हम उनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें, लास्ट 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का, तो यहाँ पर हमको एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। अगर हम हर साल का देखें तो यहाँ पर बहुत वेरिएशन है, बट जब हम इसको क्लब करके 3 साल में देखते हैं, 5 साल में और 7 साल में देखते हैं, तो लास्ट 3 साल में 84% का शॉर्टफॉल था अपने प्रॉफिट के सामने। कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था 4,800 करोड़ का, और कैश, नेट कैश आया अराउंड 799 करोड़ का। लास्ट 5 ईयर्स का देखें तो अराउंड 39% का शॉर्टफॉल है। 7,300 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था, और 4,400 करोड़ के कैश आए थे उसके सामने, और लास्ट 7 ईयर्स में 74% का शॉर्टफॉल है कैश में। सो इस कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमेशा से कम आए हैं अपने प्रॉफिट्स के सामने, और हमको ये इस ट्रेंड के एनालिसिस में दिखता है कि कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लो है कंपेयर टू द प्रॉफिट जो वो दिखा रही है। इस चार्ट में हम देखते हैं कि कितना कैश कमाया और कितना कैश इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने बिजनेस के अंदर। मार्च 19 में 1,500 करोड़ का कैश इन्फ्लोस था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और उसमें से 928 करोड़, जो कि 60% बनता है, वो इन्वेस्ट कर दिया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जिसमें आता है फिक्स एसेट्स, परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह। तो कंपनी ने 60% इन्वेस्ट कर दिए। मार्च 16 में भी अराउंड 65% ऑफ द कैश इन्वेस्ट कर दिए थे,
मार्च 14 में एक तो नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, मतलब उनके कैश आउटफ्लोज हुए थे मार्च 14 में, और उसके सामने उनको 759 करोड़ उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कितना फ्लक्चुएशन है इनके कैश के नंबर्स में। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी बहुत फ्लक्चुएशन है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी बहुत फ्लक्चुएशन है। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें हम 7 साल, 5 और 3 साल का, तो यहाँ पर एकदम रिवर्स उल्टा हो रहा है। लास्ट 3 साल में 799 करोड़ का उन्होंने कैश दिखाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और उसके सामने 2100 करोड़ उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आ रहे हैं, जो 273% ज़्यादा है कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। तो यहाँ पर एकदम ये उल्टा बहुत कम कंपनी में हमको देखने को मिलता है कि उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसे आते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मोस्टली इधर अगर कंपनी ने कुछ सेल किए हैं या उनको कुछ गेन हुआ है उनके इन्वेस्टमेंट से, तो यहाँ पर ये आइटम पॉजिटिव में आ जाता है। लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखें तो 4400 करोड़ का कैश दिखाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ 129 करोड़ का हुआ था, जो कि 3% है। और 7 ईयर्स का देखें तो ऑलमोस्ट 100% इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी आ रहा है जितना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रहा है। तो कंपनी ने 2300 करोड़ टोटल अपने ऑपरेशन से कमाए थे कैश में, और उसी के सामने ऑलमोस्ट 2300 करोड़ के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी पैसे आए थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं उसमें बहुत वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट, प्राइस में कितना चेंजेस आया है 5 साल पीछे से, 3 साल पीछे से और 7 साल पीछे से, वो देख लेते हैं। मार्च 16 से करंट मार्केट प्राइस में अराउंड 14.3% का CAGR ड्रॉप देखा गया है, मतलब हर साल मार्च 16 से 14.3% का ड्रॉप हुआ है। 111 रुपीज़ में 14% से ड्रॉप हुआ, फिर से 14.3% से ड्रॉप हुआ, और फिर से 14.3% से ड्रॉप हुआ, ऐसे 3 बार हुआ, तो उसको CAGR ग्रोथ रेट हम बोलते हैं। तो मतलब ओवरऑल 37.2% का ड्रॉप हुआ है 111 से 70 रुपीज़ तक का, ये 3 साल में। और अगर CAGR ड्रॉप देखे तो हर साल 14.3% का है, तो ओवरऑल 37.2% का ड्रॉप है, और एवरी ईयर 14.3% से ड्रॉप हुआ है। अगर हम 5 साल पीछे से देखें मार्च 14 से, तो तकरीबन 15% का CAGR ग्रोथ रेट है प्राइस में। प्राइस ऑलमोस्ट डबल है 5 साल पीछे से। 5 साल पीछे अराउंड 34 रुपीज़ का पर शेयर का भाव था, और आज 70 रुपीज़ है। अगर हम 7 साल पीछे जाए तो 6.1% का ग्रोथ रेट है कंपाउंडेड ओवर 7 ईयर्स, तो 46 से 70 अराउंड 6.1% का कैगर ग्रोथ रेट होता है। और अगर हम टोटल ग्रोथ देखें तो अराउंड 51% का ग्रोथ है। तो अगर हम ये करंट भाव को देखें 70 रुपीज़ को, तो हमको सिर्फ 50% ज़्यादा देखे मार्च 12 के भाव के सामने, सिर्फ 50% ज़्यादा देखे हमको आज करंटली पर शेयर मिल रहा है। तो ये रेशियो जो हम देख रहे हैं, इससे हमको मालूम पड़ेगा कि प्राइस कहाँ पर है कंपेयर टू मार्च 16, मार्च 14 और मार्च 12। तो अभी हम देखें तो 3 साल पीछे से हमको एक बड़ा डिस्काउंट में मिल रहा है, 37% ड्रॉप हुआ है 3 साल पीछे से। मार्च 12 से देखे 7 साल पीछे से तो सिर्फ 50% गेन है। वैल्यूएशन रेशियोज़ का रिकैप कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स 12.4 टाइम्स का है, रीजनेबल है। प्राइस टू कैश नज़दीक है 11 टाइम्स का, प्राइस टू अर्निंग्स के नज़दीक में ही है, ये लेटेस्ट वैल्यूज़ है। प्राइस टू बुक रीजनेबल है 1.9 टाइम्स का, और मार्केट कैप टू सेल्स भी रीजनेबल है एट 1.4 टाइम्स। तो ये सारे वैल्यूएशन रेशियोज़ अच्छे हैं। क्वार्टरली P&L अकाउंट का एनालिसिस कर लेते हैं। सेल्स में YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में डी ग्रोथ दिखा गया है। दिसंबर 18 से दिसंबर 19 में रेवेन्यू में 16% का डी ग्रोथ था, और सितंबर से दिसंबर तक का 17% का था। प्रॉफिट में तो और भी ज़्यादा डी ग्रोथ है, YOY 56% का है,
दिसंबर 18 में 516 करोड़ कमाए थे और दिसंबर 19 में वो 223 करोड़ हो गए हैं। सितंबर में देखे तो थोड़ा हाई था, 344 करोड़ का था, और अभी दिसंबर में फिर से जैसे हमने देखा 223 करोड़ हो गए, तो ऑलमोस्ट 56% और 35% का ड्रॉप है प्रॉफिट्स में। तो चारों तरफ हमको प्रेशर दिख रहा है, सेल्स में बहुत वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव है और प्रॉफिट में भी नेगेटिव है दोनों तरफ। मार्जिन देख लेते, दिसंबर में नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 से नीचे ड्रॉप हो गया, अभी 9.8% है। 223 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, टोटल सेल्स था 2200 करोड़ का, मेरे बेंचमार्क से ये नीचे आ गया अभी फ़िलहाल ये दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर और दिसंबर 18 क्वार्टर में देखें तो अराउंड 10% से ऊपर ही था। अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट डीग्रोथ देखें तो 516 से अभी 223 करोड़ पे आ गया है, और सेल्स में भी हमको डीग्रोथ देखने को मिल रहा है ओवर द क्वार्टर्स। तो यहाँ पर मेरा फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पीयर ग्रुप एनालिसिस करके फिर हम ग्राफ के तरफ मूव करते हैं। मेरे पास कंपेरेबल पीयर ग्रुप कंपनीज नहीं है, इसलिए हम सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्टैंड अलोन नंबर्स देख के जाते हैं। करंट मार्केट प्राइस 69 का है, रिजल्ट अप टू डेट है दिसंबर 2019 तक का। सेल्स में हमने देखा था 16.82% का डीग्रोथ आया है वाईओवाई, और प्रॉफिट में अराउंड 56% का डीग्रोथ है। तो वाईओवाई बोथ प्रॉफिट और सेल्स में ड्रॉप दिख रहा है। अगर हम पूरे साल का देखें और उसको रीसेंट 12 मंथ्स के साथ कंपेयर करें तो 2019 में 12,000 करोड़ का सेल किया था और रीसेंट 12 महीने में 10,000 करोड़, तो पूरे साल का देखें तो अराउंड सेल्स में भी ड्रॉप आया है। और प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी ड्रॉप दिख रहा है, 1800 करोड़ 2019 में कमाए थे और अभी रीसेंट 12 महीने में टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है 1300 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज़ पूरे साल का भी अगर देखें तो सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों में ड्रॉप है। अगर 2019 का अगर हम प्रॉफिट और कैश कंपैरिजन करें तो कैश कम आया है प्रॉफिट से, 1800 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और कैश आया है 1500 करोड़, तो ये प्रॉफिट से कम है। जैसे मैं बोलता हूँ हर एक वीडियो में, मुझे कैश जो है वो प्रॉफिट से थोड़ा ऊपर चाहिए या एटलीस्ट प्रॉफिट के इक्वल चाहिए। कंपनी ने अराउंड 43% ड्रॉप देखा है उसके प्राइस में। करंट प्राइस अर्निंग 12 टाइम्स का है और अपने एवरेज से ऑलमोस्ट हाफ पे है। लास्ट 3 साल का एवरेज प्राइस अर्निंग था 21 टाइम्स का और अभी हमको मिल रहा है 12 टाइम में। प्राइस टू कैश 10 टाइम्स का है, अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.82 टाइम्स, ये भी अच्छा वैल्यूएशन रेशियो है। पीजी वाइज ये 1.5 के नीचे है तो अच्छा है। हमको ये स्टॉक मिल रहा है 12 टाइम्स में अर्निंग्स के सामने, और अर्निंग्स में ग्रोथ आ रहा है अराउंड 14% और 12% का 5 और 3 ईयर्स का, तो ये हमको पीजी अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। अगर आपको ये रेशियोज़ नहीं समझ में आते हैं तो मेरे ओल्ड वीडियोस देखिए, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है हर एक रेशियो को। सेल्स में भी डबल डिजिट का ग्रोथ है 5 और 3 ईयर्स से, तो हमको अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये डबल डिजिट के प्रॉफिट्स और सेल्स ग्रोथ कर रही है कंपनी, और अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें रीसेंट 12 मंथ्स का तो वो नेगेटिव है या डाउनवर्ड ट्रेंड है उसका। रिटर्न ऑन इक्विटी अपने एवरेज से ऊपर है, 2019 का आरओई परसेंटेज 21 था और ऑन एन एवरेज बेसिस 5 और 3 ईयर्स से 17% और 19% कमा रही थी शेयर होल्डर्स के पैसे पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत हाई है 30% का 2019 में, और अपने 5 और 3 ईयर्स के एवरेज से ऊपर ही है। लास्ट 5 साल में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 23% का था। रिटर्न ऑन एसेट्स लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज देखे तो अराउंड 15% का है। तो ये कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं डबल डिजिट में और बहुत अच्छे हैं। एसेट टर्नओवर 1.32 टाइम्स का है, जितने भी एसेट्स है उससे ज़्यादा सेल्स कर रही है। कंपनी के इन्वेंट्री टर्नओवर लो था, लास्ट 3 साल पीछे देखे तो 1.9 टाइम्स का इन्वेंट्री होल्डिंग था और अब वो बढ़ के 2.7 हो गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रॉफिट 5 ईयर्स का कितना था और उसके सामने कितना कैश कमाया कंपनी ने। लास्ट 5 साल में 7,300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था और उसके सामने कैश आए 4,400 करोड़ के। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं हम प्रॉफिट का और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच का।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप है, शॉर्टफॉल है कैश के अंदर। जनरली मुझे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बहुत नज़दीक चाहिए या उससे ऊपर चाहिए। मतलब कंपनी जो भी प्रॉफिट दिखा रही है उससे ज़्यादा कैश आने चाहिए कंपनी के पास। और 4,400 करोड़ का जो कैश कमाया था उसमें से 1,200 करोड़ फ्री है जो कंपनी फिनेंसिंग एक्टिविटी में डाल सकती है, जैसे कि डिविडेंड देना हो, बायबैक करना हो, बोनस है वगैरह वगैरह, लोन रीपेमेंट। तो ये कंपनी का जो ओवरऑल कैश फ्लो लॉन्ग टर्म का जो रेशियोज़ है प्रॉफिट और कैश फ्लो कंपैरिजन का वो थोड़ा ख़राब है। लास्ट 5 साल का एवरेज प्रॉफिट 1,400 करोड़ का है। कंपनी का मार्केट कैप 16,800 है और नेटवर्थ करेंटली 9,200 करोड़ का है। तो ये अपने नेटवर्थ से प्रीमियम में चल रहा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी 1,000 करोड़ का है, रीज़नेबल है। अगर हम देखें तो ये अराउंड 11-12% का आता है नेटवर्थ के सामने। कंपनी डेट फ्री है और कवरेज रेशियो बहुत हाई है, 143 टाइम्स का। प्रमोटर होल्डिंग 55% का है, कोई भी प्लेज नहीं है। और डेटर्स टू सेल्स हमने देखे थे बहुत हाई थे, यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है, बट एक्चुअली डेटर्स टू सेल्स हमने देखा था अराउंड 35% के ऊपर था। डेटर डेज 161 डेज का है, ये भी बहुत हाई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 15.5% का। और करंट प्राइस पे कंपनी डिविडेंड दे रही है अराउंड 4.9% का, तो डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कंपनी का, टेक्निकल चार्ट पे वो कहाँ पर है और हम किस लेवल्स पे बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। कंपनी का ग्राफ एनालिसिस कर लेते हैं। आज तारीख है 7 अप्रैल 2020 और RSI के लेवल्स है 32 और 34, तो अभी भी ऊपर है, 30 के लाइन के ऊपर है। और अगर लास्ट RSI देखें, डबल डिप हुआ था 1 जून 2018 को, भाव था 111 रुपये का। तो यहाँ पर मुझे बाई करना था जो मैंने बाई किया हुआ है। फिर RSI दोबारा ड्रॉप हुआ 5 अक्टूबर 2018 में, प्राइस था 80 रुपीज़ का, तो यहाँ पर भी बाई करना था। और अभी इसके बाद RSI फिर से नहीं आया है, तो 80 के नीचे ग्रेजुअली हम बाई कर सकते थे। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किए हुए हैं चार्ट पर। तो करंट भाव है 69 रुपीज़ का और मेरे हिसाब से 65 रुपीज़, 53, 49, 41, 34 और 28, ये लेवल्स है जहाँ पर हम बाई कर सकते हैं अगर भाव नीचे गिरता है तो। और ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 80 रुपीज़ और 95, मैक्सिमम 95 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। और नीचे की तरफ जैसे मैंने बताया 65, 53, 49, 41, 34 और 28, ये लेवल्स नीचे की तरफ बाई कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ सिर्फ दो लेवल्स हैं, 80 और 95 के। जब भी कोई कंपनी का RSI लेवल 30 के नीचे जाता है और डबल डिप होता है तो जनरली मैं टारगेट करता हूँ 100%। तो लास्ट जो डबल डिप हुआ था वो समवेयर अराउंड 80 रुपीज़ के ऊपर हुआ था, तो यहाँ से मैं टारगेट करूँगा अराउंड 160 रुपीज़ का, 100% फ्रॉम 80 रुपीज़। तो एवरेज मेरा तकरीबन रहेगा 70 और या 65 का, तो मुझे फिर भी अराउंड 70-80% का गेन दिखता है यहाँ से इस कंपनी में। हमको ग्रेजुअली बाय करना है जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता है, रश नहीं करना है हमको बाय करने के लिए। नेक्स्ट इंट्रिंसिक चार्ट देख लेते हैं। फंडामेंटली ये कंपनी का क्या भाव होना चाहिए था अगर मैं प्रॉफिट, सेल्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, इक्विटी, इन सभी चीज़ों का मैं अगर प्रोजेक्शन करूँ ग्रोथ रेट का 5 और 3 साल का और 7 साल का, तो मेरे पास क्या टारगेट्स आते हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इंट्रिंसिक प्राइस कैलकुलेशन। मेरे पास 4 लेवल है स्क्रीन पर। ऊपर के जो 2 लेवल्स है वो बेचने के लेवल्स है और नीचे के जो 2 लेवल्स है वो बाइंग के लेवल्स है। तो हमको बाई करना है 56 और 52 के नीचे। करंट भाव है 69 रुपीज़ 95 पैसे और इन चारों इंट्रिंसिक वैल्यू का एवरेज वैल्यू आता है 87।
तो अभी फ़िलहाल ये 20% डाउन है अपने एवरेज इंट्रेंसिक वैल्यू से। सो 87 से 69 रुपीज़, मतलब 20% ड्रॉप है। तो अगर हम आज भी बाई करते हैं इवन एट 69 रुपीज़, तो यहाँ से 120 रुपया या 119 रुपीज़ का टारगेट करते हैं हम, तो एक 71% का गेन दिखता है हमको, और 72% का, डिपेंडिंग ऑन हम कहाँ पर बेचते हैं उसको। अगर हमको 56 और 52 पे ख़रीदने को मिलता है, तो यहाँ से 120 और 119, अप्रॉक्सीमेटली 111 और 129% बनता है। 52 पे अगर ख़रीदते हैं और 120 पे बेचते हैं, तो 129% आता है। और 56 पे ख़रीदते हैं और 120 पे बेचते हैं, तो अराउंड 111%। तो ऑलमोस्ट 100% का गेन मुझे यहाँ पर दिखता है फंडामेंटली, अगर मैं प्रॉफिट्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, बैलेंस शीट और सेल्स और इक्विटी, ग्रोथ इन इक्विटी, अगर मैं उसका प्रोजेक्शन करूँ 5 और 3 इयर्स का प्राइस के ऊपर, तो और 7 इयर्स का अगर मैं प्रोजेक्शन करूँ, तो मुझे ये वैल्यूज़ दिखते हैं यहाँ पर, जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटली जो हमने अभी निकाला है और इन टेक्निकली जो हमने देखा था इसके पहले, तो वो मैच कर रहा है, और इसलिए मुझे दोनों पे, ये नंबर्स पे मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, यहाँ तक जा सकता है। तो इसी के साथ मेरा ये डिटेल्ड एनालिसिस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट होता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, क्वेरी हो, या मुझसे बात करनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।